hello students i welcome you all to today's session i hope all of us are doing perfect at their places so today's topic is form and movements in animals let's learn about movement in animals movements in human being movement in animals all living organisms show movements we can observe many movements in our body for example our teeth Chew and grind the food. The heart beats to circulate the blood to all parts of the body. We see objects around us by moving our eyeballs. The chest moves up and down when we breathe. The change in the position of any part of the body with respect to its axis is called movement. We can observe the movement in plants also. For example, the leaves of the mimosa plant move fold up when touched by hand. फ्लावर्स ऑफ द डेजी प्लांट मूव क्लोज अप एट नाइट द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट इज नेरी फॉर द लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स तो आप जो प्लांट्स होते हैं एज वेल एज जो एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें आपको अलग अलग टाइप की मूवमेंट देखने को मिलती है जैसे आप हैंड मूवमेंट करते हैं अपनी आईबोल्स को मूव करके आप अलग अलग चीजें देखते हैं आप सांस लेते हैं तो आपकी चेस्ट अप डाउन करती है वैसे ही जो प्लांट्स भी होते हैं जैसे कि आपका डेजी प्लांट हो गया वो रात के टाइम पे अपनी पेटल्स को बंद कर लेता है कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे ही आप उनको टच करेंगे वो इनक्लोज हो जाते हैं तो किसी भी चीज में अगर आपको लाइफ दिखानी है तो लाइफ प्रोसेसेस के लिए मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स द मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर इज कॉल्ड लोकोमोशन Plants are mostly fixed to the ground. So they do not show locomotion. Animals have the ability to move from one place to another. So they have the power of locomotion. Animals show locomotion in the form of walking. In case of human beings, रनिंग इन केस ऑफ horses स्विमिंग इन केस ऑफ fishes एंड फ्लाइंग इन केस ऑफ बर्ड्स तो एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट होती है उसको लोकोमोशन कहते हैं ये सिर्फ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ही कर सकते हैं प्लांट्स जो होते हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं और लोकोमोशन नहीं कर सकते जैसे कि आप वॉकिंग कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की केसेज में मूवमेंट शो हो रही है हॉर्सेज रन करते हैं फिश स्विम करती हैं ये सारी आपकी मूवमेंट दिखाती हैं लोको मोशन एनिमल्स इन सेवरल इट हेल्प

ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पे वो अपने अंडे दे सके और वहां is चेंज इन पोजिशन ऑफ ओनली अ पार्ट ऑफ द बॉडी लोको मोशन इज द एक्ट ऑफ अ बॉडी मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू another. तो मूवमेंट आपकी होती है आपका कोई भी एक बॉडी पार्ट खाली मूव करता है जैसे मैंने अपना हैंड मूव करा लोको मोशन का मतलब होता है कोई भी एनिमल या ह्यूमन बींग जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है लेट डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स अर्थ वर्म एंड अर्थ वर्म अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स और सेगमेंट्स ज्वाइंट एंड टू एंड इट हैज लिक्विड स्केलेटर ऑन दंडर सर्फेस ऑफ द बॉडी अ नंबर ऑफ माइन्यूट ब्रिस्ल्स आर प्रेजेंट दैट हेल्प द अर्थ टू गेट अ फॉर्म ग्रिप ऑन द ग्राउंड मसल्स अटैच टू दीज ब्रिसल्स हेल्प टू कॉन्टैक्ट द बॉडी तो जैसे अर्थ फॉर्म होते हैं इनकी जो बॉडी पे अलग अलग शेप्स बनी होती है लाइन्स होती हैं एंड टू एंड और इनकी नीचे वाले सर्फेस में बहुत ही फाइन ब्रिसल्स होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट बनाने में और अच्छी ग्रिप बनाने में जिसकी वजह से ये मूव कर पाए एक्टिविटी वन एम टू ऑब्जर्व द लोको ऑफ एन अर्थ प्रोसीजर With the help of your teacher or a gardener, find an earthworm from your nearby garden. Place the earthworm on a rough surface, such as a sheet of paper placed on a table. Observation When an earthworm moves, the bristles at the rear end hold firmly to the ground while the bristles at the front end are relaxed. With result, the front of the body is free to stretch forward with the help of strong muscles the front end becomes thin and long due to the contraction of muscles while its rear end becomes thick and short due to the expansion of muscles now the bristles at the front end of the body hold firmly to the ground while the bristles at the rear end relax the front end becomes thick and short due to the expansion of the muscles while its rear end becomes thin and long due to the contraction muscles this makes it possible for the earthworm to pull up the rear end with the help of its muscles. The process is repeated and the animals move forward by the contraction and relaxation of the body muscles. तो आपको अगर देखना है कि अर्थवर्म लोक कैसे करता है तो आप अपनी टीचर या गार्डनर की मदद से एक अर्थवर्म को लेकर एक रफ सरफेस पे रख दीजिए आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से एक अर्थवर्म आगे की तरफ मूव करता है ये एक स्पाइरल फॉर्म होता है जिसमें वो इस तरीके से आगे की तरफ अपनी मूवमेंट करता है डू यू नो कॉकरोच कैन लिव फॉर अप टू वन वीक विदाउट इट्स हेड इट्स ब्रेन इज नॉट इन इट्स हेड जो एक कॉकरोच होता है वो बिना अपने हेड के एक हफ्ते तक सर्वाइव कर सकता है क्योंकि उसका ब्रेन उसके हेड में नहीं होता इट इज स्कैटर्ड थ्रू आउट इट्स बॉडी उसका ब्रेन उसकी पूरी बॉडी पे स्कैटेड होता है फैला हुआ होता है इट कैन रन अप टू थ्री माइल्स एन आवर थ्री माइल्स एनआवर की स्पीड से कॉकरोच भाग सकता है इट कैन लिव ऑलमोस्ट अ मंथ विदाउट फूड और एक महीने तक बिना खाने की सर्वाइव कर सकता है इट कैन होल्ड इट्स ब्रेथ फॉर अप टू फोर्टी मिनट यानी कि अपनी सांस को चालीस मिनट तक रोक कर रख सकता है एक्टिविटी टू एम टू ऑब मूवमेंट इन अक्रोच प्लेस ऑफ कॉक्रोच एन अस प्लेट ऑब्जर्व इूवमेंट फ्रॉम दंडर साइड ऑफ द ग्लास प्लेट नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन कम्पेयर इट्स रेट ऑफ मूवमेंट विद दैट ऑफ दर्थ वॉर्म तो कॉक्रोच का अगर आपको देखना है कैसे वो मूव करता है एक प्लेन ग्लास सर्फेस लीजिए उसके ऊपर कॉकरोच को रख दीजिए और नीचे की तरफ से देखिए कि वो कैसे आगे की तरफ बढ़ता है और अपना जो ऑब्जर्वेशन है उसे नोट डाउन करिए कि अर्थ वर्म के कंपेरिजन में इसका जो लोकोमोशन है वो किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता है स्नेल स्नेल्स हैव हार्ड शेल्स ऑन देयर बैक दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट एंड एनिमी स्नेल्स हैव अ लार्ज फ्लैट फुट द फुट प्रोड्यूस अ स्लाइमी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस विच हेल्प्स देम क्रॉल ओवर द सर्फेस द म्यूकस रिड्यूसिस द फ्रिक्शन बिटवीन द फुट एंड द ग्राउंड सर्फेस The muscles of the foot enable the snails to move forward. A trail of mucus is left behind when the snails crawl. The shell does not help in moving from place to place, it has to be dragged along. So, snails' upper. पोर्शन होता है जो शेल्स होती हैं वो काफी हार्ड होती हैं और इनको एनमी से प्रोटेक्ट करती हैं जो नीचे वाला पार्ट होता है वो चलते चलते एक स्लाइमी सी चीज छोड़ता है जिसे म्यूकस कहते हैं और ये जो शेल्स होते हैं ये अपने आप मूव नहीं कर पाते बॉडी के साथ साथ तो इनको कैरी करके लेकर जाना पड़ता है स्नेक्स बॉडीज ऑफ स्नेक्स शो द फॉलोइंग फीचर्स दे हैव अ लॉन्ग बैकबोन एज द बॉडीज आर लॉन्ग जो स्नेक्स की बैक बोन होती है वो काफी लंबी होती है क्योंकि इनकी बॉडी भी जनरली काफी लोंग होती है दे हैव मेनी थिन मसल्स कनेक्टेड टू ईच अदर द मसल्स हाउ एवर आ फार फ्रॉम ईच अदर इनकी बहुत सारी मसल इंटरकनेक्टेड होती हैं लेकिन एक मसल दूसरी मसल से काफी ज्यादा दूर होती हैं मसल्स आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द बैक बोन रिब्स एंड स्किन और जो ये मसल्स होती हैं ये इनकी बैक बोन रिब्स और स्किन के साथ कनेक्टेड होती हैं। स्नेक्स मूव वेरी फास्ट बाय क्रॉलिंग ऑन देअर बेलीज स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन देअर बॉडीज द स्केल्स हेल्प इन क्रॉलिंग। ड्यूरिंग मूवमेंट द बॉडी कर्व इन टू मेनी लूप स्नेक्स अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड तो स्नेक्स जो होते हैं वो स्केल्स जो होते हैं उनकी बॉडी में उनकी मदद से अपना लोको मोशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेवर लूप्स द थ्रस्ट गिवन बायूप अलाउज द स्नेक टू मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट इन अ वेव लाइक मैनर स्नेक्स do not move in a straight line. यही जो loops बनते रहते हैं इनकी body structure की वजह से यही इनको help करते हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए एक wave like structure में. wave like यानी कि ऐसे structures होते हैं इनकी ये straight line में snakes move नहीं कर पाते. Do you know? Snakes often appear to move swiftly across the ground, but they actually move slowly compared with many other animals. The fastest speed on record is that of African black माम्बा इट मूव्स शॉर्ट डिस्टेंसेज एट अबाउट इलेवन किलोमीटर्स पर आवर इन कम्पेरिजन ह्यूमन बींग्स कैन ईजिली रन शॉर्ट डिस्टेंसेज एट अबाउट सिक्सटीन टू ट्वेंटी फोर किलोमीटर्स पर आवर तो इंडिविजुअली स्नेक्स बहुत तेज मूव करते हैं लेकिन बाकी कुछ एनिमल्स के कम्पेरिजन में ये काफी धीरे मूव करते हैं ऑन दी अदर हैंड जो ह्यूमस हैं दे कैन रन अप टू सिक्सटीन टू ट्वेंटी फोर किलोमीटर्स पर आवर fish observe a fish while it moves in an aquarium you will find that the head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body the body tapers at both the ends the shape of a boat is somewhat like a fish this body shape is called streamlined most fishes have a streamlined shaped body this kind of shape helps a fish to overcome the resistance offered by water as it cuts through it making it easier for the fish to swim through water the fish moves in a wave like manner this movement attached to the flexible backbone during swimming muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part moves towards the opposite side the fish forms a curve or a loop as shown in the figure given alongside then quickly the body and the tail curve to the other side दिस प्रोड्यूस इज अक एंड पुशेज द बॉडी फॉरवर्ड अज ऑफ सच जर्स मेक द फिश स्विम अ हेड जो एक फिश होती है उसकी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है कंपेरिजन में छोटा होता है और ये स्ट्रीम लाइन बॉडी की वजह से ही वेव लाइक मैनर में माउथ यानी कि हेड और टेल को अलग अलग jerks ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए जो फिश है वो आगे की तरफ मूव करती है This is helped by the fins present in its body. Fish have fins on their body which help to keep the balance of the body and to keep direction while swimming. They also act as brakes when the fish needs to stop on the way. The tail fin acts like a rudder to change the fish's direction while swimming. जो फिश के जो फिंस होते हैं उनकी मदद से बड़ी ही आसानी से ये पानी में स्विम कर पाती हैं। फैक्ट फाइल मोस्ट फिश हैव एन इंटरनल स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन बहुत सारी फिशेज ऐसी होती है जिनके इंटरनल पार्ट में स्केलेटन होता है जो बोन से बना होता है Some fish like sharks and rays do not have bones. Their skeleton is made entirely of cartilages. Shark jaisi like jo fishes hoti inki skeleton hoti cartilages se bones se. Let us perform activity 3 to understand the role of streamlined body shape in movements. Activity 3, aim to study movements with paper boats. Make two paper boats, push one of the boats in water with the narrow and pointing forward, push the other boat in water from the broad side. Note the observations in the two cases. In the first case, forward movement takes place while it is not so in the second case. So, when you do activity, karenge, दोनों बोट्स बनाएंगे पानी में एक को फ्रंट एंड जो साइड है उधर से मूव कराएंगे और दूसरे को ब्रॉड साइड से तो आप ये देखेंगे कि जो नैरो साइड वाली बोट है वो अच्छे तरीके से मूव कर पा रही है लेकिन जो ब्रॉड साइड वाली है वो मूवमेंट फॉरवर्ड की तरफ नहीं कर पा रही एक्टिविटी फोर Look at the fish in an aquarium and draw its shape. Can you find a relation between the shape and the ability to swim in fish? Write down your observations after noting down how it moves inside water. So, activity observe karni hai aquarium mein aapko observe karna hai ki fish kis se movement. Karti hai. Birds. Birds have two kinds of locomotion. Birds ki do tari locomotion hoti hai. Birds can walk on any surface with their legs. The bones of the hind limbs are fit for walking and perching. जो birds की जो legs होते हैं उनके surfaces अलग अलग होते हैं उनकी perching के लिए walking के लिए वो दोनों uh, support करते हैं Ducks and swans can also swim in water. Ducks and swans जो होते हैं वो आराम से water में swim कर सकते हैं बर्ड्स फ्लाई इन air एयर बाई their wings. विंग्स यूज their चेस्ट मसल्स टू फ्लैप their विंग्स जो बर्ड्स होती हैं वो आराम से हवा में उड़ सकती हैं अपने विंग्स के सहारे और अपनी चेस्ट मसल्स का यूज करती हैं उड़ने के लिए द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज स्ट्रीम लाइन एंड for फॉर फ्लाइंग bones बोन्स आर and एंड लाइट इन वेट द बोनी of ऑफ द फोर लिम्स आर मोडिफाइड एज विंग्स तो इनका जो बॉडी होता है इनकी बोन्स बहुत ही लाइट वेटेड होती हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही आसानी से फ्लाई कर पाती हैं मस्कीटोज इन हाउस फ्लाइज फ्लाई विद हेल्प ऑफ विंग्स अटैच टू देर बॉडीज मस्कीटोज और हाउस फ्लाइज जो होती हैं वो भी फ्लाई कर सकते हैं और उनकी जो विंग्स होते हैं वो उनकी बॉडी के साथ अटैच्ड रहते हैं डू इट आंसर दीज क्वेश्चन जिनके आंसर्स आपको खुद से देने हैं मूवमेंट्स इन ह्यूमन बींगस इन ह्यूमन बींग्स टू सिस्टम टेक पार्ट इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट दीज टू सिस्टम आर नंबर वन द स्केल्टन सिस्टम एंड नंबर टू द मस्क्युलर सिस्टम तो ह्यूमन बींग्स में दो तरीके से मूवमेंट पॉसिबल है एक है आपका स्केलेटल सिस्टम और दूसरा है मस्क्यूलर सिस्टम स्केलेटन सिस्टम द फ्रेम वर्क विच इज मेड ऑफ ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी स्केलेटन आपका जो पूरे बॉडी में बोन्स का स्ट्रक्चर है उसका मतलब है स्केलेटन सिस्टम को वो दिखाता है इस पूरे बोन्स वाले system को कहते हैं स्केलेटन सिस्टम स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट इज मेड अप ऑफ टू जीरो सिक्स बोन्स हाउ डू वी नो द शेप ऑफ ह्यूमन बॉडी वी हैव सम आइडिया अबाउट द शेप बाई फीलिंग दैम One way we could know the shape better would be to look at X-ray image of the human body. Sometimes, when we are hurt, doctors use these X-ray images to find out about any possible injuries that might have happened to the bones. A child has many more bones, approximately 300 bones in all. But as the child grows, some of the bones fuse together and reduce in. नंबर तो एक एडल्ट बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं वहीं जो बच्चा होता है उसकी बॉडी में 300 हड्डियां होती हैं जैसे जैसे वो बड़ा होता है ये सारी जो बोन्स होती हैं कुछ बोन्स फ्यूज कर जाती हैं और नंबर में रिड्यूस हो जाती हैं साथ ही साथ आपकी जो एक्सरे मशीन्स होती हैं वो डॉक्टर्स को हेल्प करती हैं आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स या फिर बोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ पे चोट लगी है या फिर कितनी चोट लगी है फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस The skeletal system has the following functions. It forms framework of the body, या आपकी body के framework को carry forward करता है. It helps to protect and keep the delicate organs of the body in the proper positions. जो आपकी body के कुछ soft, delicate parts होते हैं, bones help करता है, या skeletal system help करता है उनको एक जगह पे रोकने के लिए. For example, the bony cage made by breast bone. रिब्स एंड द बैक बोन प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स तो आपकी जो ब्रेस्ट बोन रिब्स या बैक बोन होती है वो आपके हार्ट चेस्ट और लंग्स को एक जगह पे रखने में हेल्प करती है स्कल आपका ब्रेन जो है जो स्कल में बोन्स होती है उससे प्रोटेक्टेड रहता है द बैक बोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ट आपकी जो बैक बोन होती है वो स्पाइनल कोर्ट को प्रोटेक्ट करती है इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड गिव शेप टू द बॉडी और स्पाइनल कार्ट आपकी बॉडी के पोस्टर और सपोर्ट के लिए हेल्पफुल रहती है विद द हेल्प ऑफ मसल्स इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ आर बॉडी तो मसल्स के साथ कंबाइन होकर यही सिस्टम होते हैं जो आपकी बॉडी के मूवमेंट्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं फॉर एग्जाम्पल एनी मूवमेंट ऑफ आर आर्म्स और लेग इज सपोर्टेड बाई द मसल्स इन दीज पार्ट्स ऑफ द बॉडी अगर आपको हाथ या पैर को मूव करवाना है तो यहीं पे जो मसल्स लोकेटेड होती हैं वो इन मूवमेंट्स को मूव करने में हेल्प करती हैं डू यू नो देर आर टू जीरो सिक्स बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी यानी कि एक ह्यूमन बॉडी में दो सौ छ हड्डियां होती हैं इन एन इनफेंट बॉडी देर आर मोर देन थ्री हंड्रेड बोन्स बट लेटर ऑन मेनी बोन्स गेट ज्वाइंट द लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी इज द था बोन फेमर जो बच्चा होता है इन्फेंट होता है उसकी शरीर में तीन सौ से भी ज्यादा हड्डियां होती है लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो सारी हड्डियां जो होती हैं कुछ आपकी फ्यूज हो जाती है या ज्वाइंट हो जाती हैं जो सबसे आपकी लार्जेस्ट बोन है आपकी बॉडी में वो है आपकी थाई बोन जिसका नाम है फेमर द स्मॉलेस्ट बोन्स इन द बॉडी आर फाउंड इन ईयर और सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है आपके कानों में जिराफ विच हैज अ लॉन्ग नेक हैज ओनली सेवन बोन्स इन इट्स नेक एज इन ह्यूमन्स जो जिराफ होता है जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है बिल्कुल इंसानों की तरह ही उसके नेक में भी टोटल सात हड्डियां होती हैं फैक्ट फाइल बोन्स कैन बी फोटोग्राफ्ड बाई एक्सरे बिकॉज एक्सरेज के नॉट पास थ्रू बोन्स डॉक्टर टू एग्जामिन एनी फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ बोन्स तो एक्सरे के थ्रू जो आपकी बोन की इमेजेस हैं वो देखी जा सकती हैं और डॉक्टर्स ये तब यूज करते हैं जब आपकी कुछ चोट लग जाती है तो देखने के लिए कि हड्डी टूटी तो नहीं है या फिर डिसलोकेट तो नहीं हो गई एक्टिविटी फाइव एम टू स्टडी द ह्यूमन स्केलेटन Request your teacher to take you to the biology laboratory and show you the mounted human skeleton. Examine the skeleton for the different kinds of bones in terms of the shape and size small, long, curved, etc. Also, see the backbone. Make a drawing of the skeleton in your notebook. वर यू एबल टू सी कार्टेज इन अमाउंटेड ह्यूमन स्केलेटन डिस्कस इट इन योर क्लास तो आप अपनी टीचर की मदद से आपके बायोलॉजी के लैबोरेटरी में जाइए जो टंगा हुआ आपका स्केलेटन है उसे देखिए और नोट डाउन करिए डिस्कस करिए क्लास में कि आपने किन किन टाइप्स की बोन्स देखी है और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस थे

The skull is the bony structure on the head. It is made up of 22 bones out of these 8 flat bones from the brain box or cranium which encloses and protects our brain. 14 bones form the shape of face. All the bones in the skull are fixed. The lower jaw is the only movable bone in the skull. It enables us to chew our food and speak. तो आपकी जो स्कल है वो आपके हेड वाले एरिया में होती हैं टोटल आपकी बाईस बोन्स यहाँ पे होती हैं कुछ आपकी आठ ऐसी बोन्स होती हैं जो सिर्फ ब्रेन वाले पार्ट में होती हैं और आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं और बाकी सारी जो बोन्स हैं वो आपका फेस का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं और आपके पूरे स्कल की बोन्स में सिर्फ एक जॉ की ऐसी बोन्स होती हैं जो आप मूव कर सकते हैं मूवेबल होती है खाना चबाने में और बोलने में आपकी हेल्प करती है नंबर टू द बैक बोन द बैक बोन और द वर्टेबल कॉलम एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द हिप इट कंसिस्ट ऑफ थर्टी थ्री स्मॉल रिंग लाइक वर्टिब्रे ज्वाइंट

फोर वोटी ब्रे ऑफ द टेल आर ऑल्सो फ्यूज तो इन जगहों पर आपको आपकी हिप बोन दिखेगी बैक बोन दिखेगी जिसकी वजह से आपका पोस्टर इनेबल होता है हिप बोन जो होती है दे आर इनसेपरेबल यानी कि आप इन्हें अलग नहीं कर सकते नंबर थ्री रिब केज देर आर ट्वेल्व पेयर ऑफ थिन एंड कर्व्ड बोन्स कॉल्ड द रिब्स दीज बोन्स फॉर्म रिप केज विच प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स all the 12 pairs of the ribs are joined with the backbone at the back and the first 10 pairs are joined with the chest bone in the front. The last two pairs of ribs are free at the front end and are called floating ribs. जो आपकी rib cage होती है इसमें अलग-अलग set of bones होती हैं। जो आपका rib cage होता है front में वो आपके heart को protect करके रखता है आपके heart को और आपके lungs को। Number four, limbs. There are two pairs of limbs, A, a pair of forelimbs or arms, B, a pair of hind limbs or legs. So, your limbs two of one your hand limbs which are forelimbs and the limbs jo aapke legs. Hote hain. The bones of the arms are joined to the spine by the shoulder griddle and the collar bone. Our upper arm has only one bone called humerus. In our lower arm, there are two bones called radius and ulna. The bones of legs are joined to the spine by hip girdle. Our upper leg has one bone called femur or thigh bone. It is the longest bone in our body. Our lower leg has two bones called tibia and fibula. तो आपकी जो बोन्स हैं अलग अलग पार्ट में जैसे आपके शोल्डर को आपकी हाथ के बीच की जो बोन है वो जोड़ कर रखती है उसके बाद आपके यहाँ पे बोन्स आ जाती है जो आपके हाथ को जॉइन करके रखती हैं आपके लेग्स में जो बोन्स होती है वो हिप गर्डल से कनेक्टेड होती हैं तो इस तरीके से सारी की सारी बोन्स इंटर कनेक्टेड होके आपके अलग अलग, अलग पार्ट्स को कैरी फॉरवर्ड या उसके फंक्शन को मूव करवाती है डू यू नो ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट टू थर्टी मूवेबल एंड सेमी मूवेबल ज्वाइंट यानी कि ह्यूमन बॉडी में दो सौ तीस मूवेबल ज्वाइंट प्रेजेंट है हाईड इज द ओनली बोन इन द ह्यूमन बॉडी विच इज नॉट ज्वाइंट बाय अनादर बोन इट इज ज्वाइन टू द स्कल बाय लिगमेंट इट सपोर्ट्स द टंग एंड इट्स मसल तो आपकी पूरी बॉडी में हाईड एक ऐसी बोन है जो किसी और बोन से कनेक्टेड नहीं है बल्कि आपके ये स्कल में जो लिगमेंट्स है और मसल्स हैं उनके साथ कनेक्टेड है ज्वाइंट्स एंड मूवमेंट द प्लेसेज वे टू और मोर बोन्स जॉइंट टूगेदर आर कॉल्ड ज्वाइंट तो आपका वो एरिया जहाँ पे दो या दो से ज्यादा हड्डियां एक साथ ज्वाइंट होती है उसको जॉइंट कहा जाता है The bones are held together at the joints by strong structures called ligaments. और ये जो bones होती हैं ये एक साथ बहुत tightly packed होती हैं और उनको जो structure होता है वो ligaments के through structured रहता है Types of joints. देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी तो आपकी बॉडी में तीन मेन टाइप के जॉइंट्स हैं नंबर वन इमूवेबल जॉइंट्स और जॉइंट्स वो जॉइंट्स जो आप मूव नहीं कर सकते नंबर टू स्लाइटली मूवेबल और कार्टी जॉइंट्स वो जॉइंट्स जिनको आप कुछ हद तक मूव कर सकते हैं नंबर थ्री फ्रीली मूवेबल और परफेक्ट जॉइंट्स और वो जॉइंट्स जिनको आप बड़ी ही आसानी से फ्रीली मूव कर सकते हैं नंबर जॉइंट्स जॉइंट्स दीज डो नॉट अलाउ एनी मूवमेंट ये जो जॉइंट्स होती हैं बिल्कुल भी मूव नहीं करती हैं एग्जाम्पल जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल जो आपके स्कल के बीच में जॉइंट्स होते हैं वो बिल्कुल मूव नहीं करते जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द हेड अपर जॉ और बाकी जो आपका हेड का स्ट्रक्चर है वो भी मूव नहीं करता जॉइंट्स इन द टूथ सॉकेट्स जो आपके टूथ सॉकेट्स होते हैं वो भी इमूवेबल जॉइंट्स में आते हैं नंबर टू स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जॉइंट्स दीज अलाउ वेरी लिटिल मूवमेंट ये जॉइंट्स बहुत हल्की फुल्की मूवमेंट्स करते हैं एग्जाम्पल्स जॉइंट्स बिटवीन एडजस्ट इन द बैक बोन जो आपकी बैक बोन में एडजस्टिंग वर्टिब्रेज हैं वो थोड़ी बहुत मूवमेंट करते हैं जॉइंट्स बिटवीन द रिब्स एंड द ब्रेस्ट बोन ब्रेस्ट बोन और रिब्स के बीच में जो बोन होती है वो भी थोड़ी बहुत मूव करती है नंबर फ्रीली मूवेबल अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ बोन्स इन वेरियस डिरेक्शन जो फ्री मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं उनको आप जिस भी डिरेक्शन में चाहे जैसे भी चाहे मूव करा सकते हैं एग्जांपल्स जॉइंट्स इन द एल्बो जो आपका एल्बो जॉइंट होता है इसको आप बड़ी ही आसानी से मूव कर सकते हैं जॉइंट्स इन द नी जो आपके घुटनों पर जॉइंट होता है शोल्डर यानी कि ये वाला नेक यानी कि ये तो ये तीनों जो है इसको आप बड़ी ही फ्रीली मूव कर सकते हैं देर आर फोर मेजर टाइप्स ऑफ फ्रीली मूवेबल joints: ए बॉल एंड सॉकेट joint, बी pivot joint, सी hinge joint, डी ग्लाइडिंग joint. तो ये चार टाइप आपके जॉइंट्स हैं जो फ्रीली मूव करते हैं ए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इन दिस

पेविट जॉइंट अलाउज रोटेशन ओनली इन दिस ज्वाइंट दराउंड इट सर्फिस ऑफ वन बोन फिट्स इन टू अ रिंग फॉर्म्ड बाई द अदर बोन सो दैट वन बोन इज एबल टू रोटेट ओवर दी अदर इन अ रिंग दूसरा आपका पेविट जॉइंट होता है ये सिर्फ रोटेशन करवाता है जो आपकी जॉइंट होती हैं वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसकी वजह से रोटेशन पॉसिबल हो पाता है एग्जाम्पल ज्वाइंट बिटवीन द नेक एंड द हेड जो आपकी नेक और हेड के बीच में ज्वाइंट है ये पिविट ज्वाइंट का ही एक एग्जाम्पल है सी हिंज ज्वाइंट दिस ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली सिमिलर टू द हिंज ऑफ अ डोर तो हिंज ज्वाइंट आपके सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करा पाता है एग्जाम्पल्स एल्बो ज्वाइंट बिटवीन दर लोअर आर्म जो आपके अपर और लोअर आर्म के बीच का ज्वाइंट है ये एक ही टाइप का एक ही डायरेक्शन में आपका मूवमेंट करा पाता है नी ज्वाइंट बिटवीन द थाई एंड लोअर लेग जो आपके घुटने हैं वो भी आपका एक ही टाइप के डायरेक्शन का मूवमेंट करवाते हैं रिस्ट जॉइंट बिटवीन द फोर आर्म एंड रिस्ट ये भी एक ही डिरेक्शन में आपके मूव होते हैं डी ग्लाइडिंग ज्वाइंट दिस ज्वाइंट अलाउज बोन्स टू ग्लाइड ओवर ईच अदर सो दैट साइड टू साइड एज वेल एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट कैन टेक प्लेस ओनली स्लाइट मूवमेंट टेक्स प्लेस इन दिस ज्वाइंट जो ग्लाइडिंग होते हैं ये बहुत ही माइनर मूवमेंट करते हैं स्लाइट मूवमेंट होती है फ्री मूवमेंट इनकी ज्यादा नहीं हो पाती है एग्जाम्पल ज्वाइंट बिटवीन द बोन्स ऑफ द एंकल जो आपके एंकल ज्वाइंट है वो इस ग्लाइडिंग मूवमेंट का ही एग्जाम्पल है फैक्ट फाइल देर आर अबाउट सिक्स फिफ्टी सिक्स केलटल मसल इन आर बॉडी सो अराउंड सिक्स फिफ्टी सिक्स केलटल मसल हमारी बॉडी में प्रेजेंट है muscular system bones alone cannot move by themselves the bones that are attached to the muscles help to bring about all movements of the body the muscles are attached to the bones by strong fibers called tendons number of muscles vary from 656 to 800 in human body there are about 639 skeletal muscles in our body and each one causes a particular movement the muscles help us to smile श्यू आर फूड पुश फूड इन टू द स्टामक एंड ऑल्सो मेक आर हार्ट बीट एट्सेट्रा तो आपकी जो मस्क्यूलर सिस्टम होता है वो बोन्स के साथ टेंडेंस के थ्रू अटैच रहते हैं जिसकी वजह से आपकी अलग अलग मूवमेंट्स होती हैं जैसे आपकी रिप केज और हार्ट मसल्स भी होती हैं जो आपको हार्ट बीट में हेल्प करती हैं डू यू नो इट टेक्स अबाउट फिफ्टीन मसल्स टू स्माइल बट इट टेक्स डबल द नंबर ऑफ दीज मसल्स टू फ्राउन सो ऑलवेज कीप स्माइलिंग तो so, स्माइल करने के लिए आपकी पंद्रह मसल्स यूज होती हैं लेकिन जब आप उदास होते हैं तो उससे भी ज्यादा मसल्स आपकी यूज होती हैं तो इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए एक्टिविटी सिक्स एम टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द मसल्स टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ द बोन्स प्रोसीजर क्लोज द फिंगर्स ऑफ वन हैंड टाइटली बेन द आर्म एट द एल्बो एंड टच द शोल्डर विद योर थम विद द हेल्प ऑफ अदर हैंड Feel the muscles of the upper arm. The biceps muscles are in front and the triceps muscles are at the back of your arm. Now straighten the arm and feel the bulge of the biceps and the movement of the triceps. What do you observe? Observation When you bend your arm, the biceps that are joined to the arm in front contract. When a muscle contracts, it becomes shorter and thicker. You can feel a swollen region inside your upper arm. This is due to contraction of biceps. The triceps that are at the back of the arm relax. When a muscle relaxes, it becomes longer and thinner. When we straighten our arm, our biceps relax and the triceps contract. You can feel that the swollen muscle is no longer present. So, your arm movements are controlled by two muscles biceps and triceps. तो अगर आप अपने हाथ को इस तरीके से मूव करेंगे और यहाँ पे टाइटन कर देंगे तो यहाँ पे जो मसल का अक्यूमुलेशन हो जाएगा वो इसीलिए होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होती है जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो थिक हो जाती हैं सिमिलरली जब आप स्ट्रेट करेंगे तो आपकी जो ट्राइसेप्स मसल जो बैक साइड पे होती हैं वो रिलैक्स कर जाती हैं जिस टाइम पे आपके हैंड बंद रहते हैं जैसे ही खुल जाते हैं ट्राइसेप्स मसल जो है वापस रिलैक्स करती हैं और लंबी हो जाती हैं तो इससे हमें पता चलता है कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो थिक हो जाती हैं बल्ज जैसा शेप बना लेती हैं और जैसे ही रिलैक्स करती हैं वैसे ही लॉन्गेट हो जाती हैं कंक्लूजन बोन्स के नॉट मूव बाय देस द मसल्स अटैच टू द बोन्स मेक देम मूव एट द जॉइंट्स मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाई मींगस ऑफ टेंडेंस द कंट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स अटैच्ड टू द बोन्स मेक द बोन मूव When a muscle attached to a bone contracts, it pulls the bones and makes it move. A muscle can only pull but cannot push the bone back. So, another muscle is required to pull the bone back in the opposite direction. So, one muscle pulls a bone away from the joint while its partner pulls it back. Thus, टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर एज अ पेयर टू मूव अ बोन तो आपकी जो बोन की मूवमेंट्स होती हैं वो बिना मसल्स के पॉसिबल ही नहीं है ये अटैच होती हैं टेंडेंस के थ्रू और जब आपकी एक मसल किसी भी बोन को आगे की तरफ पुश करती है वहीं दूसरी जो मसल होती है वो उसकी पार्टनर मसल होती है वो बोन को वापस लाने में हेल्प करती है तो एक ही मसल दोनों काम नहीं कर सकती दो मसल्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है डू इट आंसर दीज क्वेश्चन आप कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको खुद से देने हैं की वर्ड्स टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग स्पेशल जॉब इज कॉल्ड अ टिश्यू बोन मैरोन ऑफ अ बोन वे ब्लड सेल्स आर मेड इज कॉल्ड वर्टिब्रेट द स्मॉल बोन दैट मेकअप द बैक बोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट फेमर द था बोन द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड फेमर कार्टेज Soft covering of the ends of bones at the joints is called cartilage. Ligaments. Strong stretchy bands that keep the bones together at the joints are called ligaments. Tendons. Tough bands which attach muscles to bones are called tendons. Exoskeleton. A skeleton that is outside the body is known as exoskeleton. Endoskeleton. A skeleton that is inside the body is known as endoskeleton. Vertebrates. Animals that have backbones are called vertebrates. Streamlined shape, shape that is narrow in front and broader in the middle, is known as streamlined shape. So, these words the words that we have in this chapter detail. Points to remember: All living things are made up of cells. Cells make up tissues, tissue makes up organs, organs make up organ systems, organ systems make up the human body. The main organ systems in the human body are skeletal, muscular, circulatory, nervous, respiratory, digestive, excretory, and reproductive. Bones make up the skeletal system. The skeletal system gives support and protection, helps in the movements, and makes blood limbs. The main types of joints in the body that allow movement are hinge joint, example, elbow, ball and socket joint, example, shoulder. Pivot joint, example neck, and gliding joint, example ankle. Muscles pull at bones to make them move at the joints. At least two sets of muscles are required to make a bone move in one direction. Skeletons in animals can be liquid skeletons.